Morning students, we'll begin with chapter number 1, Medieval Gujarat. Today's topic is administration. अब administration क्या होता है? In normal terms, जो official work होता है, clerical work जैसे होता है ना, official work वो होता है. So तब के time में जो administration work था, कैसे carry on हुआ था and all, we'll see in this topic. During the Solanki era, the king was most powerful of all. जब Solanki era था, तब जो king लोग थे, वो एक powerful peoples थे. The various department of the kingdom were handled by different minister. जो अलग अलग departments हैं kingdom के, वो अलग अलग ministers जो हैं handle करते थे. The most important minister was known as Mahamatya. उसे क्या कहते थे? जो important minister है उसे कहा जाता था Mahamatya. And who look after the finance department? Shrikaran. ये जो महामात्या है, ये जो मिनिस्टर है, ये क्या देखते थे, क्या चीज़ें देखते थे? फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो भी फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, दीज पीपल आर लुकिंग ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द फाइनेंस. दीज मिनिस्टर्स वर लुकिंग ऑल दीज एक्टिविटी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नोन एज मंडल. आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि ये मंडल है. एंड अलग अलग जो इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है इस एडमिनिस्ट्रेशन का, उसे क्या कहा जाता है? मंडल. एंड द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सरस्वती, हैंस इट वॉज नोन एज सरस्वती मंडल. अब जो ये कैपिटल है इस किंगडम का, वो कहाँ था? ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती, दैट्स वाई इट वॉज नोन एज सरस्वती मंडल. एंड द सब सेक्शन ऑफ द मंडल वॉज नोन एज पाथर. जो सब सेक्शन था मंडल का, उसे क्या नाम दिया गया था, किस नाम से जाना जाता था? पाथक नाम से. स्टूडेंट्स, यू आर हैविंग क्वेश्चन ऑन दिस ऑल्सो, वन सेंटेंस यू आर हैविंग. सो रिमेंबर, द सब सेक्शन ऑफ द मंडल वॉज नोन एज पाथक. एंड देयर वर सर्वल सच पाथक्स विच इंक्लूडेड मैनी विलेजेस विद देयर फोल. ऐसे काफ़ी कुछ पाथक से जो विलेजेस में, काफ़ी सारे विलेजेस में इंक्लूड किए गए थे अलग अलग फोल्स के साथ. मंडल्स सचेस, जो अलग अलग नाम से जाने गए थे मंडल्स जो बनाए गए थे, जैसे कि कच्छ मंडल, सौराष्ट्र मंडल, केथक मंडल जो खेड़ा है, लत मंडल, मटपट मंडल वर प्रेजेंट ड्यूरिंग दिस टाइम. ये जो है एट प्रेजेंट जो ये मंडल्स है अवेलेबल हैं. स्टूडेंट्स विल सी द एक्टिविटी कॉलम ओवर हेयर. इट इज़ गिवन, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशियंट रिलीजन एरिया विच आर नाउ फाउंडेड इन द प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. आपको जस्ट ये एक्टिविटी दिया गया है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें एंशियंट जो रीजनल जो एरियाज हैं एट प्रेजेंट जो अवेलेबल हैं गुजरात के डिस्ट्रिक्ट में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है. थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास.